तो यहाँ पे देख सकते हो जैसे द टेंशन नहीं है। सो गाइज, हेलो गाइज, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल ऑफ यू वेल। वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज मैं बात करने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में, क्योंकि आप लोग अगर इनके स्क्वेयर आया तो ये बहुत ज़रूरी होगा आपके इन फ्यूचर। सो ये है मेरा जैसा सिविल आईडी देख सकते हो, तो ये सिविल आईडी मेरा एक्सपायर हो गया अभी, और ज़्यादा दिन नहीं, 7 को एक्सपायर हो जाएगा, 7/7/2022 की एक्सपायर हो जाएगा ये सिविल आईडी। बट मैंने एक वीडियो बनाया था, जैसे ये वीडियो में बनाया था, मेरा न्यू कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर लिया, न्यू वीज़ा भी अप्लाई कर दिया, वीज़ा इंफॉर्मेशन इन कुवैत। तो ये वीडियो में मैंने बताया था जे कंपनी ने मेरा वीज़ा अप्लाई कर दिया, अभी मेरे को सिर्फ 5 KD पे करना पड़ेगा, जैसे कुवैत गवर्नमेंट से अप्रूव होगा। तो मैं वही दिखाने वाला हूँ आप लोग कैसे करके कर सकते हो अगर आप लोग कुवैत जब आओगे। ये ज़रूरी है क्योंकि ये आपको करना ही पड़ेगा। आपको 1 साल में भी हो सकता है वीज़ा रिन्यू, 2 साल का, जैसे मेरा अभी 2 साल का वीज़ा लगाया। सो हम लोगों सबसे पहले गाइस गूगल जाना पड़ेगा, क्योंकि गूगल में जाके ही हम लोग वहाँ से चेक कर सकते अपना कंपनी ने वीज़ा अप्लाई किया या नहीं। सो हम लोग, मैंने ये नहीं किया था, डाटा ऑन नहीं किया था। सो अभी हम लोग चलते हैं गूगल। जैसे आप गूगल गए, हम लोग यहाँ पे जैसे ऑलरेडी मैं सर्च कर चुका था पासी बोल के, तो इसलिए मेरा तो आ गया, बट आप लोगों को पासी सर्च करना पड़ेगा, सब सिर्फ पासी सर्च करना पड़ेगा। जैसे आप पासी पे जाओगे तो वही आ जाएगा कुवैत गवर्नमेंट जो सबसे पहले आया, उसमें जाने का। अब जैसे हम लोग गए यहाँ पे, आपको सिर्फ सिविल आईडी नंबर डालने का, जो ये सिविल आईडी है ये जो देख रहे हो ये आपको नंबर डालना पड़ेगा। ये जैसे आप डाल दिया उसके बाद आपको दिखा देगा यहाँ पे, जैसे आप सर्च करोगे तो आपको आ जाएगा आपको कंपनी डाला या नहीं। अगर डाल दिया तो आपको लिखा रहेगा जहाँ पे करो 5 KD, तो आपको वहीं पे करना पड़ेगा। तो जैसे आपको दिखा देगा, जैसे 10-12 दिन के बाद, 10 दिन मिनिमम 10 दिन लगेगा, जैसे कंपनी ने अप्लाई कर दिया उसके 10-12 दिन के बाद इजीली दिखा देगा। तो 10-12 दिन के बाद आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा जहाँ अभी पे कर दो 5 KD, तो उसी में जाने का पासी में, और यहाँ पे लिखा रहेगा एक और दूसरे में जाने का, दूसरे ऑप्शन में सिविल रिन्यूअल एंड पेमेंट्स, तो यहाँ पे जाने का। यहाँ पे जैसे जाओगे आप ये स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे आपको लिखा रहेगा जैसे पेमेंट, तो यहाँ पे सिविल नंबर डालना पड़ेगा, जो नंबर दिखा है वही डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको 5 KD पे करना पड़ेगा, तो ATM कार्ड है उसमें से आपको पैसा डालने के लिए। तो किनर से भी है, बहुत ऑप्शन मिलेगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हो मैंने स्क्रीनशॉट लगा के रखा है तो अच्छा रहेगा, इसलिए पैसा आप पे कर दोगे। जैसे पे होगा तो पेमेंट रिसिप्ट लिखा रहेगा, और सक्सेस पेमेंट ये लिखा रहेगा। और जैसे 5 KD हो गया, आप 4-5 घंटे के बाद जाओगे आपको कुवैत मोबाइल आईडी में। अब जैसे कुवैत मोबाइल आईडी में जाओगे तो वहीं पे आपको जो रिफ्रेश है, आपको सिविल आईडी नंबर उसमें रिफ्रेश कर देने का। अब जैसे ही रिफ्रेश कर दोगे आपका दिखा देगा जो कितना साल का आपका वीज़ा लगा, फिर रिन्यूअल हुआ। तो जैसे मेरा 2 साल का रिन्यूअल हुआ, अभी मेरा एक्सपायरी है डायरेक्टली 25/6/2024, मतलब 2 साल का मेरा वीज़ा लग गया। सो गाइज, आप इजीली जाके आप ये सब कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप इजीली अकेला घर पे बैठ के भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं लेने का, ये सब चीज़ में उतना ज़्यादा टेंशन नहीं है। सो गाइज, अब मेरा वीडियो भी अच्छा लगा तो लाइक कर देना, मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइज, ओके बाय।